छात्रों में विज्ञान के प्रति कम रुचि को देखते हुए राजधानी के भेल दशहरा मैदान में 2 से 6 मई तक विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के विख्यात वैज्ञानिक शामिल होंगे और विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों की जिज्ञासा को पूरा करेंगे। इस मेले में ब्रह्मोस मिसाइल और रक्षा उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह जानकारी उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भेल दशहरा मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। देखिए, ये गत वर्ष के भांति इस बार भी भोपाल विज्ञान मेले का आयोजन 2 से 6 मई तक होगा। इसमें देश भर के वैज्ञानिक भी आएंगे और विशेष आकर्षण का केंद्र होगा ब्रह्मास मिसाइल, पहली बार भोपाल में आएंगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय का एक स्टॉल भी लगेगा, जिसमें सैनिकों के द्वारा आवश्यक काम में आने वाली ड्रेस, भोजन, इसके बारे में जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के उद्योग जो मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, चाहे टेक्सटाइल उद्योग हो, चाहे बिजली उत्पादन संयंत्र, उसका एग्जीबिशन लगेगी। इसके अलावा भी और भी मध्य प्रदेश में जितने भी कारीगर हैं, हस्तकला का जो काम मध्य प्रदेश में होता है, उनका एक अलग से पेविलियन होगा। साइंटिस्ट आएंगे, विद्यार्थियों से सीधी चर्चा करेंगे, रूबरू होंगे और विद्यार्थियों के विज्ञान के प्रति जो उनकी रुचि है उसके जवाब भी देंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार का और विज्ञान भारती दोनों का उद्देश्य है कि विज्ञान के प्रति युवाओं में जागृति आए, विज्ञान के प्रति रुचि आए, क्योंकि पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं कि विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की अरुचि हो रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विज्ञान के प्रति रुचि और इस विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए ये विज्ञान मेले का आयोजन किया। इस मेले का शुभारंभ इसरो के पूर्व अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के पूर्व सचिव पद्म विभूषण डॉक्टर जी माधवन नायर करेंगे। इस मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एनपी शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार, एमएसटीवी न्यूज भोपाल।